मेरे प्रिय चंदो में यीशु क्रिस्तो, आज 16 अगस्त 2021 आ दिन है सोमवार। हम लोग इसी तरह पिछले 3 महीनों से हम लोग पूरे झारखंड में सब लोग अत्याचार कर रहे हैं। हम इस मौत के बारे में सोचेंगे, से भी बोलेंगे। ये भी सोशल मीडिया में जो हमारी जो साहिबगंज में रहने वाली थी वो महिला पुलिस थाना के प्रभावी जजेस रूपा तिर्की की मौत हो चुकी, उसी लिखा है और सुनिए आप बोले। झारखंड के साहिबगंज के बहु चर्चित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गई। जजिस विनोद कुमार गुप्ता आयु के रूपा तिर्की मौत की जांच शुरू कर दी। इस केस के गुथी सुलझाने के लिए खटीर नाई की जांच आयोग के सक्षम राज्य के 2 आला अधिकार गृह सचिव और डी जी पी ने पहुंचकर अब तक हुई कार्रवाई हो अनुसंधान से आरोप को अवगत कराया। रूपा तिर्की संध्या पद मौत की कुति सुलझा रहे न्यायिक जांच आयोग जल्द ही साहिबगंज स्थित घटनास्थल का दौरा करेगा जो उनकी मौत को से बुरा अत्याचार किया। किसी ने कोई छेड़खानी की, किसी ने अपने आप को आत्महत्या की ली, किसी ने सुबह से लेकर शाम तक वैसे ही अत्याचार कर रहे और इस साथी में क्या मामला है उसी। दरअसल 3 मई 2021 को रूपा तिर्की साहिबगंज के पुलिस लाइन अपने सरकारी पार्टनर के फंदे से पर लटकी मिली थी। साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों एसआईडी का गठन किया। इस मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत के को आत्महत्या बताया था। हम लोग इसी तरह जब आगे की केस सगाई के मामले में और थी शादी की तरफ से इनकार कर रहे थे और एक दूसरे से संबंध रहते हैं और सारा संबंध तोड़कर यहाँ से चले गए थे निराश। जब आत्महत्या का कारण रूपा तिर्की के प्रेमी उसके बेजमेट से इंस्पेक्टर को माना था, एसआईडी के जांच में ये दावा किया गया है था कि इस इंस्पेक्टर रूपा तिर्की को
मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा था। शादी का देखकर झांसा देखकर उसका दिल तोड़ा। उसके आहत होकर भावना में आकर रूपा ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उन्होंने उन्हें फांसी के पक्ष में जोर से की। हम लोग उसी तरह अब देखिए उसकी फोटो को देखिए। रूपा दीदी को इंसाफ दो, यही तो उसकी फोटो थी। और उसका आगे देखिए उसकी वही पर उसकी उनको शादी की दिन से दिल तोड़ने के बाद उन्हें फांसी पर चढ़ाई। कौन सा बिजली के तार से वो टंगाया था उसी यही पर। ये गुलाबी टॉवल था उसी ये और सफेद बनियान थी इसी। वो बेड में रखा उसके घुटने में रखी उसके ऊपर घायल होकर मुंह से चिपक गए थे। और सी देखते हुए हम उसे देखेंगे। इस अखबार में लिखे जो आज अखबार के दिन में बाइक की तरफ ब्लाइंड है साहिबगंज महिला प्रभावित का फेवरेट कार्बेटर से लटका मिला शब उसी तरह का लिखे। उनका उम्र 26 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उसका लिखे ने ऋतिका की मां ने लगाया दो महिला पुलिसकर्मी पर प्रताड़ना का आरोप। उसने छोटे अक्षर में मां ने कहा हत्या की गई है मेरी बेटी की बोली पुलिस। आत्महत्या का मामला लगता है जो इसी तरह उस मामले की तरफ से वो ईसाई धर्म के लोग यही बात थी कि ये चेहरा देखी वही पर से कर मां से मुंह से निकली पानी निकल रहा है और नाक से मरी भेंग रही है।
जो इसी तरह आपके निश्चित में रखा गया। आगे बढ़ेंगे जो इसलिए बोलेंगे आज इस भाई बिल्कुल थे आज उसी तरह आत्महत्या से दूर रहो, अत्याचार के लिए दूर रहो और संबंधों के लिए संबंध रहो। आपके लिए सुनेगा अब इस बाइबल को सुनते हुए बोलेंगे और कहेंगे सन खुरोदियों का दूसरा पत्र अध्याय एक वचन संख्या 21 में बोला गया, ईश्वर आप लोगों के साथ, हमको ईश्वर ने सदैव बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है, उसने हम पर अपनी मुहर लगाई और गाविलों के रूप में हमारे हृदय को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। और फिर हम लोग इसीलिए दर्शकों को जैसे पुनरुत्थान किए जो सी बोलेगा वो अत्याचार का। हम परिच्छेद का ग्रंथ अध्याय 12 वर्ष संख्या 4 में बोला गया, उसने पेत्रुस को पकड़ाया गया कर बंदीगृह में डलवाया और उसने चार चार सैनिकों के चार दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश की करना चाहता था जो कलिसिया के उन इसलिए दर्शकों परिचितों और आकर्षितों जो लोग आज स्वाभिमान से परिपूर्ण किया और फिर आपकी और फिर से संत यूहन्न का ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 19 में बोला गया, इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि इस प्रकार की मृत्यु के से पेत्रुस द्वारा की महिमा का विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेत्रुस से कहा, मेरा अनुसरण करो, मैं जैसे ही परम पावन ईश्वरी दर्शकों को संबंध हो गए। हम लोग आपको यीशु क्रिस्त में आपको पुरुषित मिले और फिर आपके दर्शकों को आप सभी को यीशु क्रिस्त जोहार यीशु आप सभी को भी मार मार के आपको धन्यवाद। आप सभी को पवित्र यीशु क्रिस्त को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस सूचे का आप सब